ओके, गुड आफ्टरनून क्लास. वंस अगेन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट गो टू स्टेटमेंट. गो टू स्टेटमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गो टू स्टेटमेंट्स आर देयर, हाउ विल वी यूज गो टू स्टेटमेंट. ओके, वी विल डिस्कस वन बाय वन. बिफोर दैट पहले आप एक सिंटैक्स आप देख लो कि गो टू स्टेटमेंट होता है क्या है, सिंटैक्स क्या होता है. ओके, देन विल मेक वन प्रोग्राम. ओके, सपोज दिस इज स्टेटमेंट रिटन ओवर हियर, लाइक स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट स्टेटमेंट टू. आफ्टर दैट आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यूज करेंगे जीओ टीओ, गो टू, स्मॉल स्मॉल लेटर्स बनेंगे, गो टू. ओके क्लास, जब आप गो टू की बात करते हो आपको बताना पड़ेगा ना आपको जाना कहाँ है क्लास. तो यहाँ पे एक चीज आप एड्रेस प्रोवाइड करोगे. जनरली आप जब कंपैरेटिव एक सब्जेक्ट पढ़ोगे वहां पे हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. जनरली हम यहाँ पे क्या पास करते हैं, इसको बोलते हैं लेबल. क्या बोलते हैं हम लोग, लेबल, लेबल, लेबल नेम. गो टू हम क्या प्रोवाइड करेंगे, लेबल नेम, यहाँ पे होगा सेमी कोलन, देन स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर. आपने सब लेबल यहां पे दिया एंड लेबल नेम, यहाँ पे यूज करोगे आप कोलन. क्या यूज करोगे आप लोग, कोलन. इफ एनी नेम गिवन विद द कोलन विल बी ट्रीटेड एज अ लेबल. क्लास, एनी नेम गिवन विद द कोलन इज विल बी ट्रीटेड एज अ लेबल. मैं फिर से रिपीट करूंगा, बार बार ध्यान रखना. एनी नेम, कोई भी आप नेम जो यूजर यूजर जो प्रोवाइड करेगा नेम, हो सकता है आप यहाँ पे लिख लो अमित लिख लो. इफ एनी नेम गिवन विद द कोलन विल बी ट्रीटेड एज अ विल बी ट्रीटेड एज अ लेबल. ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे होगा. उसके नीचे आपने लिखा स्टेटमेंट फाइव, स्टेटमेंट सिक्स, ये आपने यूज किया. सपोज क्लास होगा क्या, द कंपाइलर विल कम एंड विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस फर्स्ट स्टेटमेंट. सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, आएगा और सबसे पहले द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. तो कौन सा एग्जीक्यूट हुआ क्लास, स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो गया. क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड. आफ्टर दैट स्टेटमेंट टू विल बी एग्जीक्यूटेड, नो. उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, बेटे यहाँ पे लिखा गो टू लेबल. तो एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पे लिखा गो टू लेबल, ये बोलेगा कंपाइलर को कि प्लीज जहां पर भी लेबल नेम लिखा हुआ है आपको वहां पे आपको जंप करना है. याद है मैंने आपको बताया था जंपिंग स्टेटमेंट, क्लास यू रिमेंबर. तो एग्जामिनेशन में अगर सपोज पूछा जंपिंग, तो आपको तीन चीजें बतानी पड़ेंगी. पहला आपका है गो टू, सेकंड आपका है ब्रेक एंड थर्ड आपका है कंटिन्यू. हमने ब्रेक ऑलरेडी देख चुका है, याद है ब्रेक में कैसे उस स्कोप से बाहर लेके जाता था, जंप करा देता था कंट्रोल को. तो हम वही चीज पढ़ने वाले हैं. तो जंपिंग स्टेटमेंट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट इज गो टू, सेकंड इज अ ब्रेक एंड थर्ड इज कंटिन्यू. इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो मैं पहले भी गो टू डिस्कस करते हैं, ठीक है. अब इसको फिलहाल छोड़ दो. यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कंपाइलर गो टू, गो टू जीओ टी यू स्मॉल में रखना बेटा, सारे सारे लेटर स्मॉल में. और विल प्रोवाइड वन लेबल नेम, विल प्रोवाइड वन लेबल नेम. लेबल नेम कुड बी एनीथिंग, एनी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर. याद है व्हाट इज आइडेंटिफायर प्लस, व्हाट इज आइडेंटिफायर, हेलो पढ़े ना आइडेंटिफायर क्या होता है प्लीज, व्हाट इज आइडेंटिफायर. Please respond. किसी को नहीं पता आइडेंटिफायर क्या होता है? By which identify the name? Sir, variables, functions, and arrays. Function name, array name, by which we can identify something. So, जैसे function name is will be identifier for the function. Variable name will be identifier for the variable by which we can identify. तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल आइडेंटिफायर लिख सकते हो, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर. तो यहाँ पे लिखा होगा गो टू, यहाँ पे लेबल. तो यहाँ पे लेबल नेम प्रोवाइड करते हो, कंपाइलर करेगा क्या यहाँ पे, जैसे देखेगा गो टू लेबल. अच्छा क्लास, लेबल नेम कहाँ पर है, यहाँ पर है. तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ से उसको वो डायरेक्टली जंप करेगा. एक सेकंड, डायरेक्टली कहाँ करेगा, यहाँ से वो यहाँ पे जंप करेगा. इसलिए इसका नाम है जंपिंग स्टेटमेंट. फिर वो स्टार्ट एग्जीक्यूट करेगा यहाँ से स्टेटमेंट नंबर फाइव, स्टेटमेंट नंबर सिक्स. क्लास मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. कोड हैज नो इफेक्ट. क्या बोलेंगे हम लोग,
कोड हैज नो इफेक्ट, या आप बोल सकते हो इसमें आप जो लिखना यहाँ पे दिस कोड हैज नो इफेक्ट बिकॉज वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगा? बिकॉज डायरेक्टली यहाँ से हमारा कंपाइलर जंप कर देगा इस लेबल के पास और यहाँ से स्टार्ट एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। अच्छा क्लास मुझे ये बताओ सर, बोलो बोलो, स्टेटमेंट 3 और 4 को लिखना ही क्यों है जब उसको यूज ही नहीं करना है? तो नहीं लिखना है, अगर आप नहीं लिखो, लेकिन आप जंप देखो क्या कई बार क्या होता है कि अगर मुझे नीचे अगर मैं लिखा, मैं नीचे कहीं पे लिखा गो टू और यहाँ पे एक और लेबल लगा दो वापस मैं जंप, तो आप यूज कर सकते हो। मैं समझा रहा हूँ, पहले एक बार मुझे पूरा कंप्लीट कर दो फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर आप अगर इमेजिन आपको जरूरत पड़ गई कभी वापस, मुझे वापस स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करना है, एक और गो टू लगा सकते हो आप। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं क्लास? आप अभी कि मुझे इसकी जरूरत है कि नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द कोड, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। अच्छा क्लास मुझे ये बताओ, ये फॉरवर्ड जंप है कि बैकवर्ड जंप है, क्या लगता है आपको? फॉरवर्ड जंप, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जंप है बिकॉज हम यहाँ पे फॉरवर्डली हम यहाँ पे आगे हम जंप कर रहे हैं, क्लास समझ आ रहा है? हम कोड में आगे जंप कर रहे हैं। ओके सेम एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मान ले इसको ब्लैंक करते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। सपोज यहाँ पे इसने लेबल लिख दिया, लेबल नेम पहले इसने लिख दिया, लेबल नेम स्टेटमेंट स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, उसने यहाँ पे गो टू दिया, गो टू यहाँ पे लिखा लेबल नेम, लेबल नेम कुड बी एनी आइडेंटिफायर, यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। गो टू के साथ जब लेबल है वहां पे सेमीकोलन यूज होगा, और जहां पे लेबल नेम लिखो वहां पे कोलन यूज होगा, ध्यान रखना भूलना नहीं। स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 6, सॉरी। अब यहाँ पे मुझे आप लोग हेल्प करो, ये पहले कंपाइलर का फर्स्ट इट गेट्स एग्जीक्यूटेड बिकॉज कंपाइलर यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे देखा विल बी एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे देखा लेबल नेम, तो कंपाइलर समझ जाएगा यार कहीं पे आगे गो टू यूज हुआ होगा इसलिए यहाँ पे लेबल, तो इसको स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 4 को एग्जीक्यूट करेगा। आगे देखा यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये जंपिंग स्टेटमेंट आ गया वापस, तो जैसे लिखा गो टू लेबल नेम तो वापस कहाँ पे जाएगा वो क्लास? इस लेबल के पास जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट क्लास? तो इसमें ऐसा कौन सा कोड है जो, ऐसा कौन सा कोड जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है? 5 and 6। दिस कोड हैज नो इफेक्ट, दिस कोड हैज नो इफेक्ट, दिस कोड हैज नो इफेक्ट, वो कभी एग्जीक्यूट या अनरीचेबल कोड, एक और नाम है इसका, अच्छा याद आ गया, इसके एक और नाम बोलते हैं बेटा, या फिर बोलते हैं और अनरीचेबल, अनरीचेबल कोड बिकॉज वो रीच नहीं हो पा रहा है, इसको बोलते हैं कोड हैज नो इफेक्ट या बोलते हैं अनरीचेबल, अनरीचेबल कोड। क्लास ये बैकवर्ड जंप है कि फॉरवर्ड जंप होगा? एनीबॉडी? बैकवर्ड जंप, ओके, दिस इज द बैकवर्ड जंप। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जंप्स आर पॉसिबल, द फर्स्ट इज फॉरवर्ड जंप, सेकंड इज अ बैकवर्ड जंप। व्हेनेवर कंपाइलर जंप्स टू द फॉरवर्ड तो क्या होगा, कंपाइलर विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम द स्टार्ट वेरी नेक्स्ट लाइन, यहां से 5 और 6 को स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूटिंग। बैकवर्ड जंप में क्या होगा, जैसे कंपाइलर का बैकवर्ड जंप उसके वापस इसने यहां पे लिखा वापस, तो यहां पे जंप होगा तो स्टार्ट फिर से यहां से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूटिंग। तो एक टाइम अगर जो 5 और 6 एग्जीक्यूट नहीं होंगे, यहां पे 3 एंड 4 एग्जीक्यूट नहीं होंगे। द प्रॉब्लम इज कि कभी कभी आपको लगता है कि सर जैसे क्वेश्चन पूछा था, शायद हर्ष ने पूछा था, ये 3 एंड 4 हम लिखना ही क्यों? बेटा कई बार क्या होता है कि जब हमको एक बार जरूरत पड़ जाती है कि वापस में 3 एंड 4 एग्जीक्यूट करना पड़ता है, मैंने बताया ना अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते, जब आप कोडिंग करने स्टार्ट करते लगे यार यहाँ मुझे कोई कोड लिखना है जहां पे मुझे वापस जंप करना चाहिए। एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूँ क्लास, इज इट क्लियर? गो टू स्टेटमेंट इज इट क्लियर? गॉट इट सर, एक और डाउट है, सॉरी। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। बैकवर्ड जंप में लाइक अभी आप देख बताए कि स्टेटमेंट 1 2 एग्जीक्यूट हुआ, 3 4 भी एग्जीक्यूट, 3 4 एग्जीक्यूट, हां हां जी, उसके बाद फिर जब गो टू लेवल से वो गया ऊपर वाले लेवल पे, हां हां, 3 4 फिर से एग्जीक्यूट होगा सर, फिर से एग्जीक्यूट होगा, यस, ये एक लूप टाइप होता है, उसके बाद फिर से गो टू लेबल आया ना उसके बाद, तो ये लूप नहीं बन जाएगा वहां पे, बन जाएगा एग्जैक्टली वही बोलो, तो आप स्टेटमेंट 4 में क्या कंडीशन लगा दो कि पर्टिकुलर कंडीशन रीच होने पे वो बाहर तब ब्रेक कर ले या बाहर निकल जाए, आप गो टू को इफ में डाल दो ना, मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, समझ रहे हो ना, वो आप पे मैंने बताया कि जब आप एक्सपर्ट में, समझ गए, Once you become expert in GoTo, then आप तभी आप use करो।
जंपिंग स्टेटमेंट आप तभी यूज करो जब आप तो इसमें एक्सपर्ट बन जाओ. कई बार क्या होता है कि हम इसमें हम इनफाइनाइट लूप में चले जाएंगे अदरवाइज. तो वंस यू बिकम एक्सपर्ट इन गो टू या जंपिंग स्टेटमेंट में तभी आप उसको यूज करो गो टू ब्रेक और कंटिन्यू. आपको मैं रिकमेंड करता हूँ. ठीक है मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ फिर आपको और समझ आ जाएगा मेरे ख्याल से. स्टार्ट देखिए एग्जाम्पल देखिए. हाँ सर प्लस जी सर एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हो क्या रहा है. ठीक है अगर इनफाइनाइट लूप बन रहा है तो आउटपुट क्या निकलेगा फिर. इनफाइनाइट बार बार रन होते रहेगा. कब तक चलेगा जब तक कि आपका रैम फुल ना हो जाए. एक टाइम है रैम जैसे कंप्लीट हो फिल होगा पूरा रैम खत्म होगा तो आपको वो उसको स्टैक एरर दे देगा मेमोरी मेमोरी एरर दे देगा मेमोरी फुल. ठीक है रन होते रहेगा. गो टू स्टेटमेंट ओके क्लास. एक एक प्रॉब्लम आपको समझाता हूँ. तो प्रॉब्लम ये ऐसा है कि मुझे आप लोग हेल्प करना. मुझे आप लोग बताओ 12 डिवाइडेड बाय 6 आउटपुट क्या आएगा. 2 ओके 0 डिवाइडेड बाय 6 0 सोच के बोलो सही ना. 6 डिवाइडेड बाय 0 इनफिनिटी इनफिनाइट ठीक है नॉट डिफाइंड. तो आप किसी नंबर को जो डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ कि मैं दो नंबर को डिवाइड करता हूँ. ठीक है और मैं ये श्योर करता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो. अगर जब तक वो 0 पुट करते आएगा तब तक मैं उसको वापस भेजते जाऊंगा. प्रॉब्लम समझ आया क्या. यू हैव टू डिवाइड टू नंबर्स है ना. जब तक कि वो डिनोमिनेटर जब तक वो 0 पास करते जाएगा तब तक क्या होना चाहिए वो वापस भेजते जाएगा उसको लूप में. एक प्रोग्राम में समझाता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा. तो आपको ये बताओ मुझे नंबर को डिवाइड करना है. हाउ मेनी वेरिएबल्स आई शुड टेक. इनपुट कितने होंगे यहाँ पे. टू नंबर्स ठीक है. टू नंबर्स आप इनपुट लोगे. टू नंबर्स और आउटपुट क्या दोगे आप लोग. वन डेसिमल कोई आंसर डिवीजन है ना या आंसर या कुछ आप आंसर दोगे यहाँ पे किसको डायरेक्ट डिवाइड करके. ठीक है एक बार देखते हैं यहाँ पे डिवीजन. ओके गो टू स्टेटमेंट. व्हाट इज फर्स्ट थिंग वी डू हैश इंक्लूड डॉट एच. अच्छा मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कभी. नहीं सर वो नहीं लेगा. नहीं लेगा सोच के बोला. लेगा नहीं लेगा. नहीं लेगा नहीं लेगा. चलो एक बार देखते हैं मैं ट्राई करके. ठीक है पहले फाइल को सेव कर लो यार मैं भूल जाता हूँ. सेव कर लो आप भी फाइल. गो टू डॉट सी ओके. वॉइड मेन आपको डिवाइड करना है. यू हैव टू टेक टू नंबर्स. सिंपल ले लो इंटीजर नम वन एंड नम टू. आगे प्लस आगे प्लीज हेल्प मी आउट. हाँ आप बोलते रहो तुम्हें पता है तो मुझे समझ आया कि आप रहे हो. प्लीज एंटर अ नंबर. एंटर टू नंबर है ना. एंटर टू नंबर्स. आगे क्या करें हम लोग. स्कैनर परसेंट डी लिख सकते हैं ना प्लस. याद दिलाता हूँ अभी काम. अरे यार एक काम करते मुझे एक एक नंबर एंटर करते बिकॉज नंबर अलग थी ना. एंटर एक काम करते एंटर नंबर वन अलग डालो. ये हो जाएगा आपका ये हट जाएगा. और यहाँ पे एक ही परसेंट ले लो. एक इनपुट चाहिए मैं बता रहा हूँ क्यों करूंगा आपको समझा रहा हूँ. ठीक है प्रिंट एफ स्लैश एन प्लीज एंटर नंबर टू हो गया. देन स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर. अब यहाँ पे चेक कर लो. यहाँ पे चेक कर लो
इफ नंबर टू अगर इक्वल इक्वल टू का जीरो है पुट करते हो, आ रहा है समझ क्या? प्लस यस सर, मैं एक वेरिएबल ले गो टू बैक और कहां पे पूछू मैं इसको, फिर से एंटर करूं ये डाल देता हूं, समझ आया क्या क्लास? यस सर, वहां पे जाएगा बैक वापस चले जाएगा, अगर यहां पे नहीं हुआ एल्स आप प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ क्या कर दो स्लैश एन डिविजन इज परसेंट डी कॉमा क्या होगा प्लस नम वन डिवाइड बाई नम टू, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर आप एक काम करो एक नया आंसर ले लो, वेरिएबल ले लो एक और वेरिएबल, क्या लिख सकते हो आंसर, और यहाँ पे क्या होगा आंसर इक्वल्स टू नम वन डिवाइड बाई नम टू, और यहाँ पे आप यहाँ नीचे क्या पास करोगे, आप लोग यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर गेट सी एच, ठीक है रन करा के एक बार प्लीज एंटर नंबर वन ट्वेल्व नंबर आ रहा है जीरो, देखो क्लास समझ आ रहे हैं वापस भेज रहे हो क्लास? यस सर, जैसे मैं सिक्स डालूंगा नो जीरो तो डिवीजन इज टू, देखो आंसर नीचे आया डिवीजन इज टू, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, एक बार मैं एक्स को एक्सप्लेन करता हूँ, यू नीड एक्सप्लेनेशन और नॉट? यस सर, सर बट वो हेडर फाइल बिना ब्रैकेट्स के कैसे चल गया? अच्छा याद दिलाया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ बच्चे बोलते नहीं होगा रन क्लास, क्यों नहीं होगा रन? जस्टिफाई योर आंसर, हो गया रन हुआ ना डबल कोट्स में, कंपनी वाले यही पूछेंगे कैंपस में क्यों रन हो रहा है क्या रीजन, ओके चलो मैं उसको समझाता हूँ बाद में, हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव क्लास? Three variables. Good. Okay. The first variable is num1. Okay. Second variable is num2. And third variable is answer. Okay. Location. Minal. मैं location आपको 1000 ले रहा हूँ. चलेगा ना? Yes, sir. मैं आपको एक बार address print करके दिखाऊंगा सारे बच्चों को. ठीक है? Address का कैसे होगा? कैसे? मैंने एक बार कराया भी था देश का address. Okay. What is value of num1? राइट नाउ गार्बेज वैल्यू है ना, सभी में गार्बेज होंगे, मैं इसको सभी में गार्बेज होंगे. ओके व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, एंटर नंबर 1, आपने नंबर सब नंबर 1 डाल दिया आपने, सपोज 12 क्या डाला आपने 12, तो कहां स्टोर होगा एड्रेस ऑफ नमन पे, ये बैक छोड़ दो इसको, प्लीज एंटर नंबर, यहां देखा बैक समझ जाए कंपेयर के यहां आगे कहीं पे गो टू यूज हुआ है, दिस इज द, ये क्या आपका लेबल है क्लास, ये लेबल है ना क्लास? चेक करो इफ नम टू इक्वल इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू कहां जाएगा इफ एग्जीक्यूट होगा, कहां पे जाएगा गो टू बैक, बैक कहां पे लिखा है यहाँ पे, ये वापस कंपेयर हमारा कंट्रोल यहाँ पे चले गया और फिर से क्या एग्जीक्यूट होगा प्लीज एंटर नंबर टू, आपने फिर से एंटर नंबर टू जीरो डाल दिया, फिर से वापस जाएगा क्लास, समझ आ रहा है ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा था? यस सर, क्लास ये फॉरवर्ड जंप है कि बैकवर्ड जंप है? बैकवर्ड जंप है, ठीक है, फिर आपने नंबर डाले जीरो डाल दिया, सपोज इस बार आपने डाल दिया सिक्स डाला सपोज, तो चेक करेंगे नंबर टू, इफ नंबर टू इक्वल टू जीरो कंडीशन क्या होगी बेटे यहाँ पे, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, तो क्या एग्जीक्यूट होगा आपका, क्या एग्जीक्यूट होगा एल्स, इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा क्या एग्जीक्यूट होगा एल्स, यहाँ पे नंबर टू, नंबर वन आपका है 12 डिवाइडेड बाय 6, आंसर कितना आएगा क्लास 2, 2 कहाँ पे आ जाएगा आंसर में आएगा 2, तो आंसर की वैल्यू कितना हो गया आपका 2, और उसका मैंने आंसर को प्रिंट कर लिया, क्लास क्लियर है, गो टू, Yes, sir. ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए. ओके, एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा था, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे मैं डबल कोट यूज किया मीन्स
इफ आई यूज डबल कोट्स, हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं फंक्शन, फंक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, खुद का अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे, खुद का हेडर फाइल बनाएंगे। कैसे हेडर फाइल बनाएंगे कि जैसे लिख सकते हो हैश इंक्लूड अमित डॉट एच, और इस हेडर फाइल के अंदर अपना खुद का फंक्शन आप डिफाइन करके रखो। बोलते हैं अमित सर बार बार बोलते हैं, अमित सर आप एडिशन वाला प्रोग्राम बोलते हैं, अमित सर या फिर फैक्टोरियल प्रोग्राम बोलते हैं, या बहुत सारे बार बार अमित सर एक सेम प्रोग्राम को बार बार बोलते हैं। आप एक काम करो, अपना आप खुद का हेडर फाइल बना लो और उस हेडर फाइल को आप क्या करो इंक्लूड कर लो और फंक्शन को कॉल कर लो। जैसे हम यहाँ पे करते हैं clrcr, यहाँ मैं क्यों कर पा रहे, बिकॉज मैं यहाँ पे कोनी इंक्लूड करके रखा हूं। जब भी कोनी होगा ये फंक्शन कैन डिफाइन उसको कॉल कर सकते हैं। वैसे क्या कर सकते हो, अपना खुद का एक लाइब्रेरी बना सकते हो, हेडर फाइल की लाइब्रेरी, उसके अंदर आप फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। होगा क्या सर, लेकिन प्रॉब्लम आप यहाँ पे आती है कि हम यहाँ पे डबल कोट्स क्यों यूज करते हैं। बेटा यहाँ पे ध्यान रखो, अगर किसी हेडर फाइल के साथ आपने डबल कोट्स यूज किया तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, पहले लोकल लाइब्रेरी में सर्च करता है क्लास क्लास उसके बाद उसके बाद वो स्टैंड। अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी लोकल लाइब्रेरी, अभी यहाँ पे अगर एंगुलर पैकेट लगा दिया नाउ, अभी हमारा कंपाइलर क्या करेगा, कोनियो को डायरेक्टली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सर्च करेगा। जैसे आपने एंगुलर ब्रैकेट लगाया, हमारा कंपाइलर कहाँ सर्च करेगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लेकिन सर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है क्या, मैं बताता हूँ कहाँ पे होता है। कि आप जाओ सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल टर्बो सी प्लस प्लस डिस्क टर्बो सी थ्री, ये लोकल, ये अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो पहले से डिफाइंड है। क्लास समझ आ रहा है, पहले से डिफाइंड है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये इसके अंदर पहले से फाइल हेडर फाइल्स डिफाइंड है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डबल कोट करता हूँ, अगर मैं डबल कोट करूंगा तो पहले आपने जहां पे अपनी फाइल, हो सकता है अपनी फाइल को आप सी ड्राइव या डी ड्राइव में स्टोर करोगे, आप डी ड्राइव में अपने हेडर फाइल बना सकते हो। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं हैश इंक्लूड डबल कोट में अमित डॉट एच, तो ये हेडर फाइल जरूरी नहीं कि उस इंक्लूड इंक्लूड फोल्डर में हो। क्लास समझ आ रहा है क्या, समझ आ जहाँ पे हमारा लोकल लाइब्रेरी है बेटा, सी ड्राइव पे डी ड्राइव पे जहां पे आप सेव करते हो वहां पे पहले हमारा कंपाइलर सर्च करेगा, उसके बाद अगर नहीं मिला तो कहां जाएगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जब डबल कोट्स यूज करते हो तो हमारा कंपाइलर कहां पहले सर्च करेगा, लोकल लाइब्रेरी में, डी ड्राइव में सी ड्राइव में जहां पर आपने, या एफ ड्राइव जो भी होगा, अगर नहीं मिलेगा फिर जाएगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट यूज करते हो तो वो क्या लोकल लाइब्रेरी में सर्च नहीं करेगा, डायरेक्टली कहां सर्च करेगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर क्लियर है। ये अगर इंटरव्यू के टाइम अगर आपने पूछा, देखो अगर कैंपस के टाइम अगर इसमें डाल दिया डबल कोट्स लग, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज, वो करेक्ट है, एरर नहीं है। डबल कोट्स यूज करने से क्या होगा, वो लोकल लाइब्रेरी में पहले सर्च करेगा, वो अगर वहां नहीं मिला फिर वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाएगा। आपने एंगुलर ब्रैकेट लगाने से मतलब ये होगा लोकल लाइब्रेरी में सर्च नहीं करेगा, डायरेक्टली कहां सर्च करेगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सर्च करेगा, स्टैंडर्ड में सर्च करेगा। तो गो टू क्लियर है? यस सर। ओके अपन एक काम करते हैं, मैं आपको एक कोड लिखता हूं, आप मुझे आउटपुट बताना क्या होगा, बताओगे आप लोग? यस सर। हाँ मैं कोड लिखता हूं, आप लोग ध्यान से देखना ठीक है, मुझे आप लोग आउटपुट बताना कि इसका आउटपुट क्या होगा। एक सेकंड इसको डाल लेता हूं। क्लियर है बैकवर्ड जंप, क्लियर है क्लास? यस सर। यस सर। गुड, प्रोग्राम लिख रहा हूं, आप मुझे हेल्प करना ठीक है। आई इक्वल्स टू वन clrscr, तो भी नाम ले लो अमित नाम लेते, चलो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने एक लेबल ले लिया अमित नाम का लेबल, और यहां पे चेक किया इफ आई इक्वल इसको अगर सिक्स हो गया, सिक्स हो गया आई इक्वल सिक्स सिक्स हो गया, तो यहां लिखता हूं मैं आई प्लस प्लस, उसके बाद में भेजता हूं गो टू अमित। अदरवाइज प्रिंट करो
परसेंट यहाँ पे लिख लो, आई प्रिंट कर लो, आई के बाद यहाँ हो गया आई प्लस प्लस, एक सेकेंड हाँ जी, इसको लूप में यूज करना चाहिए था, लूप बताना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसके मुझे लूप समझाना पड़ेगा आपको, एक प्रोग्राम में देख रहा था। इफ आई इक्वल्स टू सिक्स लिया, ओके एक एक से ना, मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ। सिक्स हो गया तो उसमें फंस जाएगा, आउटपुट क्या आएगा क्लास? सर 6 and 7 बोलो, 6 and 7 7 7 7 7 और वैल्यू ऑफ आई इज 7। एक्चुअली मुझे एक्चुअली मुझे आपको पहले लूप पढ़ाना पड़ेगा। एक और काम करते हैं, गो टू को, कंटिन्यू को और ब्रेक, ब्रेक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ठीक है, तो ब्रेक और कंटिन्यू और आपका ये गो टू, ये तीनों को मैं फिर से वापस आऊंगा जब मैं आपको लूप पढ़ा लूंगा एक बार, क्योंकि एक बार लूप आपको समझ आ गया, बिकॉज में बहुत सारे यूज जो होंगे लूप में यूज होते हैं, गो टू हो गया, कंटिन्यू हो गया, ब्रेक हो गया। आ रहे समझ? क्लियर है क्लास? तो ये गो टू अभी तक थोड़ा क्लियर हो रहा है? गो टू क्लियर है? यस सर। हाँ तो मैं गो टू एक दो एग्जांपल और करेंगे, गो टू पे, कंटिन्यू पे और ब्रेक पे। तो अभी मैं काम करता हूँ, जो हमने अभी तक जो तीन चीजें जंपिंग स्टेटमेंट है, जंपिंग स्टेटमेंट कौन कौन सा, गो टू हो गया आपका, क्या हो गया अपने, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू, तो वापस है ना, जब मैं आपको एक बार लूप पढ़ा लूंगा। ओके क्लियर है क्लास? क्लियर है? Yes, तो अभी ये जो तीन चीजें हैं, इसको मैं अभी यहाँ पे अभी इसको मैं सिर्फ अभी इसको होल्ड में रखा हूँ, इसको अभी लीव नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस इस पे आऊंगा, कंटिन्यू फिर से पढ़ाऊंगा, ब्रेक फिर से पढ़ाऊंगा और गो टू फिर से पढ़ाऊंगा ठीक है, जब पहले लूप कंप्लीट कर लेते उसके बाद, बिकॉज इसका यूज लूप पे ज्यादा है तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। क्लियर? तो हाँ तो हम आज इसे स्टार्ट करते हैं, लूप स्टार्ट करें क्लास, लूप स्टार्ट करें। यस सर। मैं आपको बार पहले से समझा सकती हूँ, तीन चीज अच्छे से आप पढ़ो अच्छे से। पहला मैंने क्या समझाया था क्लास, पहले मैंने क्या बताया था, वेरी गुड, ऑपरेटर्स। सेकंड मैंने क्या बताया था आपको, कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, statements, and what was the last? Loop. Control loops. Loop. ये loops अगर तीन चीज़ आप अच्छे से समझ गए ना, तो आप start कर सकते हो coding, कोई problem नहीं आएगी फिर आप लोगों को, ठीक है? तो अभी हमारे पास ये operator हमने complete किया, control statements में सिर्फ दो तीन चीजें बाकी हैं, उसको मैं भी skip कर रहा हूँ, because after loop I'll complete this topic, ठीक है? वो जल्दी से आपको फिर समझ आएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे loops। तो अभी हम start करें loops से, clear है? तो control loops. So there are basically three types of loops, while loop, do while loop and for loop. Once you are comfortable in while loop, you can learn do while loop also. Once you are comfortable in do while loop, you can learn for loop also. So aap ek cheez dhyan rakhna ki aapko jo tino loop hai wo ek dusre se connected hai, because functionality tino ki same hai, likhne ka tarika bas different hai. Okay class, pehle mujhe ye batao, what to understand by loop? Loops kya samajh aa raha hai sir? Wo sir नंबर ऑफ टाइम एक्सिक्यूट होगा जब तक सही नहीं होगा, जैसे मैं सिंपल मीनिंग की बात करते हैं, डिक्शनरी मीनिंग बताओ, मैं टेक्निकल मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं, कि आपको लूप से क्या समझ आ रहा है, क्या लगता है लूप क्या होना चाहिए? पर एक चीज तो बार-बार होती रहती है, वेरी गुड, सीरीज नहीं, देखो जैसे हम लोग कई बार होते हैं, कई बार देखना कोई हमको गाने पसंद आते ना, तो हम उसको लूप में डाल देते हैं, 5 बार 6 बार 10 बार सुनते रहते हैं सेम गाने को, होता है ना? Yes, sir. तो क्या करते हैं, सेम चीज बार बार रिपीट करते हैं,
तो इमेजिन करो कि अगर आपको आपका नाम प्रिंट कराना है 10 times, आपको पनिशमेंट मिला कि यार अपना नाम लिखो 10 times, तो आपको पता है सेम टास्क है लेकिन मुझे बार 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 रिपीट करना है, तो जहां पे रिपीटेटिव टास्क आते हैं वहां पे हम क्या यूज करते हैं, लूप्स यूज करते हैं। क्लियर है क्लास? क्या यूज करते हैं बेटा हम लोग? लूप यूज करते हैं। जहां पे आपको रिपीटेटिव टास्क बार 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 परफॉर्म करना है, वेयर हम वहां पे हम क्या यूज करेंगे? लूप यूज करेंगे। क्लियर? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए लूप कब तक यूज करना है। तो एग्जिट क्राइटेरिया, तो तीन चीजें इसमें होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला पार्ट आपका इनिशियलाइजेशन, थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लूप। द फर्स्ट पार्ट इज क्या? इनिशियलाइजेशन। सेकेंड पार्ट इज कंडीशन। गुड, कंडीशन। एंड थर्ड पार्ट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट क्लास तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है लूप के लिए। सर वॉइस इज लैगिंग सर। लूप्स, यस सर। नाउ क्लियर? अभी क्लियर हो रही क्या? यस सर। यस सर। ओके, मेनली आप ध्यान रखो बेटा, सिर्फ तीन चीजें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। ये तीन चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप कोई भी लूप आप यूज कर सकते हैं इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? क्लियर। तो मैंने पहले बताया इनिशियलाइजेशन। क्लास अभी वॉइस लैग हो रही है कि क्लियर है अभी आवाज? क्लियर है, क्लियर है। मैं आपको तीनों चीज समझता हूँ, कंडीशन क्या होती है, इंक्रीमेंट क्या होती है, इंक्रीमेंट की स्पेलिंग देख लेना, और इनिशियलाइजेशन क्या होती है। इमेजिन करो आपको टारगेट से ब्रेक हो रही है, आपको टेन आपके पास घर पे। सर वॉइस लैग हो रही है क्या? मुझे अटेंडेंस भेज देना बेटा, ठीक है? यस सर। ओके ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास से फिर कंटिन्यू करते हैं लूप को, और जो भी डाउट्स है आप उसको सेव करके रखो, कल हम लोग उसको क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्लास से। ओके सर। हाँ बोलिए। यस सर। हाँ बोलिए, डाउट को सर इसका भी नोट्स आप भेज देंगे तो हम थ्योरी प्रैक्टिकल साथ में प्रैक्टिस करते रहे। अच्छा नोट्स चाहिए आप लोग को? नोट्स ठीक है, मैं आज आप लोग को नोट्स भेज देता हूँ। ठीक है, ओके ओके सर। क्वेश्चन जरूर। हाँ निखिल बोलो। हेडर फाइल वाला बोले थे ना कि लोकल लाइब्रेरी से अगर, वो सर पूरा हार्ड डिस्क में अगर कोई भी जगह हम लोग स्टोर किए हैं अपना, हाँ कर सकते हैं। हाँ लोकल लाइब्रेरी में कहीं भी हार्ड डिस्क स्टोर कर लो तो कंपाइलर पहले वहां सर्च करेगा डबल कोट्स में, उसके बाद नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाएगा। इससे लॉस है, इससे फायदा है कि हम लोग को नुकसान है यार डबल कोट्स यूज करने से? दोनों हो सकते हैं सर। फायदा है क्योंकि अगर अगर वो सेव नहीं है लोकल फाइल में तो फिर तो वो नहीं मिलेगा, बट इट्स टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। बस मैं वही बताऊं, टाइम टेकिंग है। तो सबसे अच्छी चीज है कि जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो होती है ना हमारी, जैसे कोनियो हो गया या फिर आपका जो अपना एसटीडीआईओ हो गया, ये जितनी भी हेडर फाइल जो पहले से प्री बिल्ड पहले से बने हुए हमारे पास इन बिल्ट है, उसको आप एंगुलर ब्रैकेट यूज करो, बिकॉज ताकि वो क्या होगा एटलीस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ही सर्च करें हमारे कंपाइलर। और जो यूजर डिफाइंड जो हेडर फाइल्स हैं जैसे amit.h, harshvardhan.h है ना, nikhil.h, तो दीज आर द हेडर फाइल्स हम जो हमने बनाया है, उसको आप कहाँ पे पुट करो? लोकल लाइब्रेरी में। उसको कहाँ, उसको आप कैसे उसको डबल कोट्स में यूज करोगे? क्लियर है? यस सर। क्या हो जाए अगर हम खुद का जो बनाते हैं हेडर फाइल और उसको हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाके पेस्ट कर देते हैं तो वो जो मतलब लोकल लाइब्रेरी जैसे ही ट्रीट होगा कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी? एक डाउट मेरे को भी था।
आवाज आ रही है अभी?